शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री और बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर, लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंगीय धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क नितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। खंडवा के बड़ा कब्रिस्तान में जानवरों और कुत्ते व आवारा पशुओं द्वारा कब्रिस्तान के अंदर कब्रों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। कब्रिस्तान के खादिम रहमान अली ने बताया कि इस कार्रवाई की शिकायत हमने कई बार नगर निगम आयुक्त और स्वच्छ अधिकारियों के अलावा थाना कोतवाली में भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे पास पुराने आवेदनों प्रतिलिपि उपलब्ध है। आपसे निवेदन है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और आवारा जानवरों को कब्रिस्तान से बाहर किया जाए। जन सुनवाई के अंदर कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन में लिखा गया कि बड़ा कब्रिस्तान के अंदर आवारा पशु घूम रहे हैं, कब्रों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, कभी भी विवादित मसला खड़ा हो सकता है। इस विषय में आज हम कलेक्टर महोदय करने आए। इसके पहले हमने नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान जी को भी एक लेटर दिए थे, मगर अभी तक के इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके पहले हमने थाना सिटी कोतवाली में भी एक ज्ञापन दिए थे कि भैया कब्रिस्तान के अंदर जानवर और कई जानवर घूम रहे हैं, इसके ऊपर भार करें, इनको इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, मगर अभी तक के इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस विषय में आज हम जन सुनवाई के अंदर कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से लिखा गया कि जो बड़ा कब्रिस्तान के अंदर बच जानवर है और भी दिगर जानवर घूम रहे हैं, उनको कब्रिस्तान के बाहर करा जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस विषय में आज हम कलेक्टर महोदय करने आए।